तो हेलो दोस्तों, आज हम आए गोगा जी के मेले में देता। तो आज यहाँ पर बहुत बड़ा गोगा जी का मेला लगा है। तो अभी हम मेले में आए हैं, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और देखो आसपास में कितनी सारी दुकानें लग रखी है, देख सकते हो एक साइड में जेसीबी खड़ी है। और ये मंदिर आ गया, आप देख सकते हो यहाँ पर 12 महीने में 2 मेले लगते हैं, एक तो ज्येष्ठ महीने में और एक आशू महीने में। ये बहुत ही बड़े मेले होते हैं भगवान गोगा जी के। ये राजस्थान के जालौर जिले भीनमाल तहसील का देता गांव का है। यहाँ पर भगवान गोगा जी का सबसे बड़ा मेला लगता है, आप देख सकते हो। ये मंदिर है, मंदिर कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छा मंदिर है, आप देख सकते हो दोस्तों। और यहाँ पर लोग दान करते हैं पैसे और रसीद कटवाते हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पर ये अंकल जी रसीद कटवा रहे हैं। और आप देखो देखो यहाँ पर पीछे पानी के कैन पड़े हैं, डीजे वगैरह लग रखे हैं। और ये हवन कुंडल आ चुका है, देखो दोस्तों। तो अभी हम मंदिर के अंदर एंटर हो चुके हैं, आप देख सकते हो ये पुजारी जी खड़े हैं। और आप देखो कितनी प्यारी भगवान गोगा जी की मूर्ति है, देखो आप, बहुत ही प्यारी मूर्ति है। और साइड में से देखो कितना प्यारा सजा रखा है साइड में से, और ऊपर की साइड में तो और भी अच्छा है, लाइटिंग वाइटिंग से सजा रखा है पूरा साइड में। और ये भगवान गोगा जी की सवारी है, अब देखो। और मंदिर के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, आप देख सकते हो। साइड में जाली वाली लगा कर, फूल वूल लगा कर सजा रखा है। ओ वाओ, ऊपर से कितना मस्त सजा रखा है, देखो आप दोस्तों का। जो यहाँ पर दीवारें हैं, दीवारों पर कितने प्यारे तरीके से फूल लगा रखे हैं, आप देख सकते हो दोस्तों। तो अभी आप देखो कितना सुनने वालों की तरफ से सपने में धन्यवाद। जय बोला बोलो बोला जी महाराज की जय। हेलो मोड़े रंगी कैसा रंगी खड़ल वालों की तरफ से सप्रेम भेज धन्यवाद जय बोला। ये बहुत ही पुराना मंदिर है, इसके आगे एक हवन कुंड है। हवन कुंड में यहाँ पर सब प्रसादी चढ़ाते हैं, और इस मंदिर के अंदर भी प्रसादी चढ़ाते हैं, यहाँ पर पूरे दिन हवन चलता है। और ये साइड में है ना, ये अभी जस्ट नया मंदिर बना है, इसकी अभी प्रतिष्ठा हुई थी। और यहाँ पर गोगा जी भगवान ने चौधरी परिवार को पर्चा दिया था, इसलिए आसपास के जो भी गाँव और शहर के लोग हैं वो यहाँ पर प्रसादी चढ़ाने आते हैं घर से बनाकर। और यहाँ का बहुत ही अच्छा पर्चा है, यहाँ पर अगर आपको सांप बिच्छू वगैरह काटे तो यहाँ पर आके अगर आप मन्नत मांगोगे तो आपकी मन्नत 101% पक्की पूरी होगी, आप भी यहाँ पर आके मांग सकते हो। और यहाँ पर मेला लगता है जिसमें खिलौनों की दुकान, मिठाई की दुकान, नाश्ते की दुकान, जैसे चिप्स की दुकान, बहुत अच्छी अच्छी दुकानें लगती है। और गोगा जी का मंदिर बहुत ही बड़ा है, आसपास में बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, आसपास में लोग रहते भी है, बहुत ही अच्छा पर्चा है इन भगवान का। और आप देख सकते हो दुकानदारों ने कितने बड़े बड़े नमकीन के ढबूले बना कर रखे हैं, अब देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितने मात्रा में लोग आए, बहुत ज़्यादा भीड़ है। अब गर्मी का मौसम है, मेले में घूम घूम के हमारी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है राजस्थान में, तो 50 डिग्री के आसपास गर्मी है, बहुत ही तेज़ गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो भी मेले के अंदर बहुत ही ज़्यादा लोग आ रहे हैं, 50 डिग्री की गर्मी है फिर भी पता नहीं कैसे लोग आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है 50 डिग्री के आसपास, पता नहीं लोग कैसे करते हैं। इतनी गर्मी में भजिए तल रहे हैं, कचौरी तल रहे हैं, अब देखो बहुत ही तेज़ से गर्मी पड़ रही है, आपको दिख रहा होगा। और ठंडा होने के लिए लोग है ना गन्ने का जूस वगैरह पी रहे हैं। थैंक यू।